I am back from my school and my mom made this delicious pasta for me. It looks delicious and it will taste amazing, I am damn sure about. और गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. फाइनली आई कैन हैव सम यमी यमी पास्ता. पास्ता खाते खाते हम स्प्राइट पियेंगे. लकीली मुझे मेरे फ्रिज में स्प्राइट भी मिल गया है. सो आई ओपन इट. दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. सो वी आर गोइंग टू एंजॉय. सो गाइज लुक एट द मैस. ओ माई गॉड गाइज, इतने ज़्यादा मैस में तो आई कैन नॉट स्टडी. मैं क्या, कोई भी क्यों ही पड़ेगा इतने ज़्यादा मैस में. तो गाइज आजकल आपने नोटिस किया होगा कि ये बैकग्राउंड आपको मेरे वीडियोज़ में नहीं मिल रहा. जब मैं पढ़ाई करती हूँ और स्पेशली वेन आई एम डूइंग वीडियो, आई जस्ट मूव माई टेबल फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ से एंगल ठीक रहता है और यहाँ से अच्छी वीडियो आती है, इसीलिए आई जस्ट शिफ्ट दिस टेबल हियर एंड आई जस्ट शूट माई वीडियोज ओवर हियर. सो दैट इज द रीजन गाइज, नथिंग एल्स. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्लटर दिस थिंग. तो हम करते हैं गाइज. At this desk, it's looking so clean, and yeah, I just cleaned it and it's looking much better than it was looking before. As I came on terrace, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ कपड़े भी है. सो नाउ आई जस्ट थॉट दैट मम्मी का थोड़ा सा काम हम कम कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक देम ऑल नीचे, क्योंकि गाइज मम्मी को आना ही पड़ेगा वैसे भी कुछ देर बाद. सो हम अभी ही कर देते हैं. सो लेट्स डू दैट. फटाफट से मैंने ट्राई किया कि जितना जल्दी हो सके सब कुछ मैं कलेक्ट कर लूँ, पर गाइज आप जैसे देख सकते हो कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे. सो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू होल्ड इट विथ माई वन हैंड. कपड़े बहुत ही ज़्यादा है एंड आई कैन बेयरली होल्ड इट विथ माई वन हैंड. सो मैं फटाफट नीचे जाऊँगी. ओ माई गॉड. सो हियर आई विल बिगिन माई फर्स्ट स्टडी सेशन इन विच आई एम गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी. सो गाइज अभी बायोलॉजी पढ़ते हैं एंड आई विल सी यू गाइज इन माई ब्रेक और वेन वी आर डन विथ माई स्टडी. ओके. As I told you guys, I started here with biology. और guys, biology के starting में I just read out the lesson thoroughly. और जो को भी lesson के important points लगे मुझे छोटे छोटे, वो मैंने टेक्स्ट बुक में ही लिख दिए. क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक नोटबुक में लिखने चाहिए, बट ऐसा नहीं है. जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिख लेने चाहिए, क्योंकि जब आप लेसन आपका फिर एक बार पढ़ोगे तो वहीं पर आपको यू नो छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. आपके नोट्स भी घूम सकते हैं बट दिस विल स्टे फॉर एवर in your textbook. तो अच्छे से लेसन पढ़ने के बाद हियर आई एम जस्ट गोइंग थ्रू माई नोट्स वंस अगेन थरली. और ये नोट्स मैंने एक बार शायद पढ़े थे पिछली वीडियो में एंड देन हियर आई एम जस्ट री राइटिंग एंड रिवाइजिंग देम, क्योंकि रिविजन गाइज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडिंग. सो यहाँ पे आई एम जस्ट री राइटिंग देम ऑल द डेफिनेशंस विच आर रियली इंपॉर्टेंट, आई एम प्रैक्टिसिंग देम. तो हम हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू टूडेज क्वेश्चन ऑफ द डे. सो इट इज़ हाउ ओल्ड आर यू. Comment down below and let me know your age. तो गाइस थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें लगता है कि भाई क्या कर लिया ये हमने, मतलब कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया, इतनी अच्छी फीलिंग आ जाती है. तो उसके बाद मैंने कहा चलो इतना पढ़ लिया मैंने आज, तो मुझे कहीं पे तो ले चलो. तो हम चले यहाँ पे. तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त एग्जीबिशन था, हमारे मतलब एरिया में लगा हुआ था गाइस. और दिस इज़ हैंडीक्राफ्ट, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड एंड आई वॉज जस्ट अमेज कि इतना अच्छी चीज़ें भाई हाथों से कैसे बना लेते. लाइक दिस इज़ द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी दीज गाइज हैव, इट इज़ इनसेन. एंड लुक एट दीज, इट वॉज सो अडोरेबल गाइज. बट दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये हाथ से बनाए हैं तो एफर्ट्स भी उतने ही लगेंगे. ये पॉट्स तो देखो भाई इतने ज़्यादा, मैंने मेरी ज़िंदगी में कहीं पे भी इतने ज़्यादा फ्लावर पॉट नहीं देखे होंगे. यहाँ पे बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ें थे एंड ज्वेलरी भी थी, बट ज्वेलरी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने ज्वेलरी नहीं ली. एंड यहाँ पे उसके बाद घूमने के बाद हमने खाई चुस्की, इट वॉज सो गुड. मैंने लिया था काला खट्टा फ्लेवर और मेरे जो कज़िन थी उसने लिया था रेड वाला कोई तो फ्लेवर लिया था, बट माइन वॉज सो गुड एंड आई जस्ट एंजॉयड इट.
टुमारो आई एम गोइंग टू हैव टेस्ट इन माई ट्यूशन ऑन मैथ्स 2 सेकेंड चैप्टर, सो वी हैव टू स्टडी फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज, हमने डिनर बाहर ही कर लिया था. आई फॉरगॉट टू फिल्म दैट, बट हम घर पे आ गए थे 9:30 बजे. एंड गाइज, मुझे मैसेज आया हमारे ग्रुप पे कि टुमारो विल बी टेस्ट. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. लाइक मेरा कुछ भी नहीं हुआ था लिटरली, बट गाइज आई गॉट लाइक 35 मार्क्स की टेस्ट थी. आई गॉट आउट ऑफ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक रात में करके भी आई गॉट सो गुड मार्क्स. बट गाइज, एवरी टाइम दिस विल नॉट वर्क. आई हैव टू वर्क हार्ड डेली. यहाँ पे मैंने बस 45 मिनट्स पढ़ाई की, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रही थी, क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड बाय माई डे. इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था. स्कूल से आने के बाद यहाँ पे वहाँ पे घूमने चली गई एंड पढ़ाई भी की थी थोड़ी. सो आई वॉज रियली टायर्ड, तो ये करके मैं फटाफट से सो गई थी.